हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स, एसएमबी नॉलेज पॉइंट के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीएचयू बीएससी मैथ्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिटरमिनेंट से है, जो कि 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का खासियत यह है कि यह 4x4 का है, यानी आर्डर 4 का डिटरमिनेंट हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। और यह क्वेश्चन बीएचयू बीएससी मैथ एंट्रेंस में वर्ष 2018 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस तरह के डिटरमिनेंट अगर आ जाता है 4x4 का, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को हम लोग लिख लेते हैं। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, जहाँ देखेंगे यहाँ पर डिटरमिनेंट है, यही क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर यह 3, 15, 16, 33 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में है 2, 29, 19, 39 थर्ड कॉलम में 1, 2, 3, 8 और फोर्थ कॉलम में है एलिमेंट 4, 14, 17, 38। आप फ्रेंड्स देखेंगे इस तरह के डिटरमिनेंट जो कि 4x4 के हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस कॉर्नर पर 1 लाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पर थर्ड कॉलम में 1 यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम से शिफ्ट करेंगे और फिर दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से शिफ्ट करके इस 1 को यहाँ पर लाएंगे। तो जैसे ज़रा देखें, यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज करेंगे कॉलम C3 को कॉलम C2 से। तो देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉलम C3 इज इंटरचेंज्ड बाय C2। कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कॉलम C2 है उसकी जगह C3 को बैठाएंगे और जहाँ पर कॉलम C3 था वहाँ पर कॉलम C2 को बैठाएंगे। और जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस चिन्ह आ जाता है, डिटरमिनेंट में एक माइनस चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, 15, 16 और 33 और यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 8। और फ्रेंड्स यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर यह लिखेंगे 2, 29, 19, 39 और यहाँ पर 4, 14, 17, 38 इस तरह से। और यहाँ पर एक माइनस चिन्ह आ गया, क्यों, क्योंकि एक कॉलम को हमने इंटरचेंज कर लिया। अब करेंगे क्या, C2 को हम लोग C1 से इंटरचेंज कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, C2 इंटरचेंज्ड बाय, यहाँ पर हम लिखते हैं C2 इंटरचेंज्ड बाय C1, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम से और पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर लेंगे। तो एक माइनस चिन्ह यहाँ पर और आएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 15, 16 और 33। इन दोनों कॉलमों को जब इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस चिन्ह और आएगा और इसको क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा। तो यहाँ पर यह हो गया डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू और थर्ड कॉलम इसका है 2, 29, 19, 39 थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम को ज्यों का त्यों उतार लेंगे 4, 14, 17 और 38। अब फ्रेंड्स करना क्या है आपको, देखेंगे इसका 2 times करके इसमें से माइनस करिए, इसका 3 times करके इसमें से माइनस करिए, इसका 8 times करके इसमें से माइनस कर लीजिए। तो इस तरह से यह दूसरे तीसरे और चौथे रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे R2 सेकेंड रो को लिखेंगे R2 = R2 - 2 times R1 और क्या लिखेंगे R3 = R3 - 3 times R1 और फ्रेंड्स R4 =
ठीक है, आर फोर को भी चेंज करना है, तो आर फोर इक्वल टू आर फोर माइनस एट टाइम्स आर वन। यहाँ पर जरा देखें, इसका दुगुना करके इसमें से घटा देना है, इसका तिगुना करके इसमें से घटा देना है, इसका आठ गुना करके इसमें से घटा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से यह डिटर्मिनेंट आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर पहले रो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, पहले रो को ज्यों का त्यों उतारेंगे तो यहाँ पर आएगा वन थ्री टू फोर, पहले रो को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। सेकेंड रो इसका दुगुना करके जब घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा जीरो, इसका दुगुना करके घटाएंगे पंद्रह में से छः घटेगा नौ, इसका दुगुना करके घटाएंगे दो दुना चार तो यहाँ पर पच्चीस, और यहाँ पर इसका दुगुना करके जब घटाएंगे तो आठ, यहाँ पर मिलेगा सिक्स, और इसका फिर तीन गुना करके जब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा जीरो, और तीन त्रिका नौ जब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा सात, और इसका तीन गुना छः जब घटाएंगे तो मिलेगा थर्टीन, और इसका तीन गुना तीन चौका बारह जब घटाएंगे तो मिलेगा पाँच, और इसका फिर आठ गुना करके जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा जीरो, इसका आठ त्रिका चौबीस, आठ गुना करके घटाना है, आठ त्रिका चौबीस तो यहाँ पर मिलेगा नौ, और इसका आठ दुना सोलह, सोलह गुना जब करके इस आठ दुना सोलह जब सिक्सटीन घटाएंगे यहाँ से तो मिलेगा तेईस, और जब इसका आठ चौका बत्तीस जब घटाएंगे तो मिलेगा यहाँ से सिक्स। तो फ्रेंड्स अब करेंगे क्या, अब इस फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष इसका जब प्रसार करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर वन, ये सारे के सारे एलिमेंट इस तरह से आते हैं, देखेंगे इस तरह से यह डिटरमिनेंट बन जाएगा। पहले कॉलम के सापेक्ष इसका जब प्रसार करेंगे तो वन, और यह डिटरमिनेंट में देखें ऐसे ढक लेते हैं, ये पूरा डिटरमिनेंट आ जाएगा थ्री क्रॉस थ्री का, यानी नाइन ट्वेंटी फाइव सिक्स, और यहाँ पर सेवन थर्टीन फाइव, और यहाँ पर नाइन ट्वेंटी थ्री और सिक्स। फ्रेंड्स इस तरह से यह आ जाता है, और बाकी यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर यह प्लस जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर फिर यह माइनस जीरो, यानी प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस जीरो, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो इससे वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इस डिटर्मिनेंट को हमको सॉल्व करके इसका मान निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं और इसका मान निकालते हैं, और देखते हैं कि इस थ्री क्रॉस थ्री के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरा देखें, वन का इंटू करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा नाइन, और देखेंगे इस तरह से फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसका जब प्रसार करेंगे तो इस तरह से ऐसे ढक लेते हैं, तो तिरछाक अठहत्तर सेवेंटी एट, ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है अठहत्तर, अब माइनस तेईस में पाँच का गुणा करेंगे एक सौ पंद्रह, माइनस एक सौ पंद्रह, फिर यहाँ पर जा देखें माइनस पच्चीस, और इसके बाद देखेंगे इस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको ढकते हैं सात छः बयालीस, नौ पचे पैंतालीस, बयालीस माइनस पैंतालीस, और फ्रेंड्स फिर आगे है सिक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आगे प्लस सिक्स टाइम्स, और कर्ली ब्रैकेट में देखेंगे जिस रो जिस कॉलम में सिक्स है उसको ढक लेंगे ऐसे, यहाँ पर आ जाएगा तेईस में सात का गुणा करेंगे सात त्रिका इक्कीस, और सात दूना चौदह दो सोलह एक सौ इकसठ, फिर से देखें सात ऐसे ढक लेंगे हम लोग तो सात त्रिका इक्कीस, और सात दूना चौदह और दो सोलह एक सौ इकसठ, और माइनस तेरह नवा एक सौ सत्रह, एक सौ सत्रह इस तरह से। और फ्रेंड्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जरा देखें क्या आता है, माइनस एक सौ पंद्रह में से अठहत्तर घटा देंगे तो यहाँ पर जरा देखें पंद्रह में से आठ घटा सात, और यहाँ पर बचा जीरो, एक कैरी ले लेगा उधार ले लेगा दस, दस में से सात घटा तीन, कहने का मतलब क्या हुआ सैंतीस, माइनस फिफ्टीन, यहाँ पर जरा देखें यहाँ से कितना मिलेगा माइनस थ्री,
यहाँ से ये प्लस है, प्लस यहाँ से यहाँ देखेंगे 6 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर क्या मिलेगा, 161 में से 17 को घटाना है तो 11 में से 7 घटेगा 4, फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 घटेगा 4, 44 मीन्स 44। और फ्रेंड्स इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जरा देखें 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 सते 63 के 3 और 9 त्रिक 27 और 633 माइनस 3 5 15 75 75। और फ्रेंड्स यहाँ पर जरा देखें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे जब 78 में से 115 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर 75। और फ्रेंड्स यहाँ पर जरा देखें यह 6 चौका 24 की 4, 6 चौका 24 दो 26, 6 चौका 24 2 26। और फ्रेंड्स जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जरा देखें इसको प्लस करेंगे, माइनस 333 माइनस के साथ या प्लस के साथ, 6 5 4 9 और 7 6 13 की 3 और यहाँ पर 3, तो 339 यहाँ पर और माइनस 333 यहाँ पर। और फ्रेंड जब इसको सॉल्व करते हैं दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो हम पाते हैं कि 6। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ जिसका आंसर आता है 6। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप 4x4 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पर 1 लाने का प्रयास करना है और इस तरह से फिर डिटर्मिनेंट को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे।